हम स्टूडेंट्स ऑफ बी ए फाइनल ईयर, हमारी नेक्स्ट पोएम है डब्ल्यू एच डेविस की द किंग फिशर, है ना। इट्स अ वेरी अगेन बहुत अच्छी पोएम है, तो हमेशा ही मैं बोलती हूँ द किंग फिशर। द किंग फिशर की एक बर्ड है जो कि बहुत कलरफुल होता है, उसके बारे में पोएट ने मतलब हाउ ही डिफाइंस ही एक्सप्लेन्स इट एंड एवरीथिंग। मतलब जो पोएट होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ में पोएट ही ढूंढ लेते हैं, उसी को थोड़ा सा कह देते हैं कि इट्स वेरी डिफरेंट, या बिकॉज देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो है ना। हम नहीं कह सकते कि कोई बच्चा बहुत पुअर है, ही डजंट नो एनीथिंग। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती ही है। वैसे ही पोएट क्या करता है, उसने किंग फिशर में भी एक पोएम बना दिए। सो देखो पोएम में क्या है, इट वॉज रेनबो गेव दी बर्थ। टी एच डबल ई का मतलब क्या है, यू। ये रेनबो है जिसने कि तुम्हें कलर दिया है। अब रेनबो के कितने सारे कलर्स होते हैं, उसमें होते हैं ना 7 कलर्स होते हैं। वो कैसे आता है, रेनबो कैसे बनता है, जब आसमान में रेन भी हो और सन भी हो उस टाइम पे रेनबो बनता है। तो पोएट किंग फिशर को कह रहा है कि रेनबो से ही तुम्हें कलर्स मिले हैं। दी यू बर्थ, रेनबो ने तुम्हें बर्थ दिया है। एंड लेफ्ट दी ओल्ड हर लवली ह्यूज, उसने अपने सारे जो ह्यूज क्या होता है कलर्स, एच यू ई एस, उसने अपने सारे लवली कलर तुम्हें छोड़ दिए। किसमें, किंग फिशर में। एंड एज अ मदर्स नेम वो टीयर्स, जो रेनबो है वो कब बनता है, उसकी जो मदर है वो टीयर्स है, रेन है, उसे बनता है। क्योंकि तुम्हारी जो मदर है उसका नाम क्या है, टीयर्स है। सो इट रन्स इन माई ब्लड टू चूज, तो इसीलिए ये मेरे ब्लड में यानी तुम्हारे ब्लड में अंदर है, मतलब ये नेचुरल है कि तुम्हारे में तो वो कलर आएंगे ही आएंगे, है ना। टू चूज वो हॉन्ट्स द लॉनली पोल्स, कहते हैं जो किंगफिशर है वो क्या करता है, जो लॉनली प्लेसेस होती हैं वहाँ पे वो जाके बैठता है। एंड कीप इन कंपनी विद ट्रीज दैट वी, और कौन से ट्रीज़ के साथ वो कंपनी करता है जो ऐसे लगता है कि रो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पूल्स होते हैं या जो लेक्स होती हैं या जो वाटर बॉडीज होती हैं, उसके आसपास ना पेड़ उगे होते हैं और वो उनका झुकाव पूरा पानी के ऊपर होता है, तो वो ऐसे लगता है कि वो रो रहे हैं। तो उनको बोला गया है यहाँ पे कि तुम ऐसे पेड़ों के साथ रहते हो, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे सब कुछ लॉनली है, तुम उनका दुख बांटते हो, वो पेड़ हैं उनकी कंपनी में रहते हो और वो भी ऐसे लगते हैं जैसे वो रो रहे हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, गो यू एंड विद सच ग्लोरियस हूज, उसे कहते तुम कहीं और क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ पे लॉनली प्लेसेस में क्यों हॉन्ट करते हो। गो यू एंड विद सच ग्लोरियस ह्यूज, ग्लोरियस मतलब ब्राइट कलर, ह्यूज कलर। लिव विद प्राउड पिकॉक इन ग्रीन पार्क्स, जैसे जो किंग्स हैं या जो बड़े बड़े महल हैं उनके लॉन में तुम पिकॉक को देख सकते हो, वो वहाँ पे मज़े करते हैं ना अपने अच्छे अच्छे कलर्स है, प्राउड फील करते हैं कि हाँ हम किंग्स के लॉन्स में हैं और अपने कलर्स को दिखा रहे हैं, है ना। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, तुम भी वहाँ जाओ। लिव विद प्राउड पिकॉक इन ग्रीन पार्क्स, तुम के साथ जाके रहो जो प्राउड पिकॉक्स हैं ग्रीन पार्क्स में। ऑन लॉन्स इज स्मूथ इज शाइनिंग ग्लास, वो लॉन कैसे हैं जैसे शाइनिंग ग्लास होते हैं। किंग्स का जो भी किंग है, जो आप कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी पीपल हैं, उनकी जो लॉन्स होंगे वो भी बहुत वी कैन सी कि शाइनिंग वाले होंगे, तो वहाँ क्यों नहीं जाते। लेट एवरी फीदर शो इट मार्क्स, वहाँ पे तुम्हारे सारे फीदर्स को देखा जाएगा, मार्क्स हैं जो तुम्हारे ऊपर बने हुए वो भी देखे जाएंगे। वहाँ पे अपने फीदर हैं, अपने पंख हैं, उनको फैलाओ और लोग उनको देखेंगे और तुम भी अपने आप में प्राउड फील करो कि हाँ मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना। यहाँ तो लॉनली प्लेस है, यहाँ तो तुम्हें कोई भी नहीं देखता। गेट दी ओन बो एंड क्लैप दाई विंग्स, तुम क्या करो, बोज बी ओ यू जी एच एस, इसका मतलब है ब्रांचेस, वहाँ पे जाओ और क्लैप करो, क्लैप मतलब फ्लटर करो, फड़फड़ाओ अपने विंग्स को बिफोर द विंडोज ऑफ प्राउड किंग्स, जो प्राउड किंग्स हैं उनके विंडोज के सामने, क्योंकि वहाँ पे लोग तुम्हें ज़रूर देखेंगे। देन माइंड, अपना जो पोइट है वो माइंड चेंज करता है, ही सेइंग कि नहीं लवली बर्ड दो आर्ट नॉट वेन, नहीं ऐसे नहीं है कि अगर तुम लॉनली पूल्स के पास बैठे हो तो तुम्हारी आर्ट वेन जाएगी, वेन मतलब बेकार जाएगी, है ना। प्राउड फील करना इज नॉट अ गुड थिंग, दो हैज़ नो प्राउड, तुम्हारे अंदर कोई भी अकड़ नहीं है, तभी तो तुम वहाँ जाके नहीं दिखाना चाहते ना अपने फेदर्स। एम्बिशियस माइंड तुम्हारा नहीं है। आई ऑल्सो हैव अ क्वाइट प्लेस, मुझे भी क्वाइट प्लेसेस, पीसफुल प्लेसेस, शांतिमय जगह ही पसंद है। दैट्स ग्रीन अवे फ्रॉम ऑल मैनकाइंड, वो ग्रीनरी जो कि मैनकाइंड से बहुत दूर है, इंसानों से दूर है। अ लॉनली पूल एंड लेटर ट्री, वो लॉनली पूल जहाँ पे ट्री है साइज, जो कि मर्मरिंग, उनका साय मतलब वो सांस लेते हैं, उनका मर्मरिंग साउंड आता है विद हर ब्लॉसम ओवर मी, उन जो ट्रीज़ हैं उनका जो झुकाव होता है मेरे ऊपर होता है, वो मर्मरिंग साउंड वहाँ से आता है। आई फील काम ओवर देयर, मुझे बहुत कामनेस फील होती है वहाँ पे, पीसफुल मुझे फील होता है, पीस नज़र आता है।
तो मैं ऐसी जगह पे ही मैं भी जाके खुश होता हूँ। किंगफिशर पोएम में देखो पोएट व्हाट ही जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन, वो क्या करना चाहता था, वो ये बताना चाहता है कि जहाँ पे दिखावा होता है वहाँ पे खुशी नहीं होती, और जहाँ पे खुशी होती है पीपल शुड फाइंड पीस इन देयर माइंड्स इन देयर हार्ट्स, है ना। हमें खुश होने के लिए, शांत होने के लिए अपने अंदर ही शांति ढूंढनी पड़ेगी। इट डजंट मीन कि इफ़ यू हैव अ लग्जरियस लाइफ यू आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ, नो। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सेटिस्फाई हैं ना किसी चीज़ से, जो ग्रीनरी होती है आप जंगलों में वुड्स में जाके देख लीजिए वहाँ पे कितनी शांति है। अगर हम अपनी सिटीज़ में शहरों में जहाँ पे हम देखते हैं नो वन इज़ फ्री टू सी द ग्लिम्प्स ऑफ नेचर, उसको देखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। वी पीपल आर जस्ट रनिंग आफ्टर द मनी, आफ्टर आर जॉब्स, आफ्टर आर करियर्स, वी डोंट गिव टाइम टू नेचर। वी शुड सिट इन द lap of the nature and should enjoy when birds हैं वो चर्प करती हैं, वो सॉन्ग गाती हैं, है ना, जब हवा चलती है वो चीज़ों को, तो हमारा मतलब बहुत टाइम हो जाता है हमें उन चीज़ों को इन्जॉय किए हुए। तो नेचर में सब कुछ है, सेटिस्फेक्शन भी है, पीस भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, यू शुड गो ओवर देयर टू मेक यू सेल्फ सेटिस्फाई। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ अपना अटेंडेंस है वो लगा दीजिएगा, एंड इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, बिकॉज एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।